नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। जापानी निवेशकों से बोले जेटली, ज्यादा मुनाफा चाहते हैं तो भारत में करें निवेश। भारतीय अर्थव्यवस्था वृद्धि की दिशा में अग्रसर है और ज्यादा मुनाफा चाहने वाले निवेशकों को अपना धन बुनियादी ढांचे और विनिर्माण क्षेत्र में लगाना चाहिए। ये बात बुधवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कही। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता व्यय बढ़ेगा, उम्मीद है कि मानसून भी बेहतर होगा और भारत में जो रुझान दिखा है वो और बेहतर हो सकता है। हम तेजी की ओर अग्रसर हैं, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जेटली ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने वैश्विक अर्थव्यवस्था की प्रतिकूल परिस्थितियों और लगातार 2 साल कमजोर मानसून के बावजूद पिछले वित्त वर्ष की हर तिमाही में 7% की वृद्धि दर्ज की। मुख्य तौर पर अपेक्षाकृत अधिक सार्वजनिक व्यय भारत के निजी क्षेत्र और विदेशी निवेशकों द्वारा नरमी के दौरान भी सर्वाधिक निवेश के कारण ऐसा संभव हुआ। केरल सरकार को मिला सचिन तेंदुलकर का साथ। महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने केरल की माकपा नेत LDF सरकार को राज्य में नशीली दवाओं और शराब के खिलाफ अभियान के लिए अपना नाम देने के आग्रह पर सहमति जता दी है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने ये जानकारी दी। तेंदुलकर ने केरल ब्लास्टर्स फुटबॉल क्लब के 3 अन्य सह मालिकों के साथ राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि तेंदुलकर ने शराब और नशीली दवाओं के खिलाफ राज्य के अभियान को मजबूती देने के लिए अपना नाम देने पर सहमति दे दी है। ये पूछने पर कि क्या तेंदुलकर राज्य के इस अभियान में दूत होंगे, तो विजयन ने कहा कि इन सारी चीजों पर बाद में चर्चा की जाएगी। अमेरिका बोला यूरो कप पर हो सकता है आतंकी हमला। अमेरिका ने फ्रांस में होने जा रहे यूरो फुटबॉल कप पर आतंकवादी हमला होने की आशंका जताते हुए चेतावनी दी है। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि गर्मियों के महीनों में काफी संख्या में पर्यटक यूरोप जा रहे हैं, ऐसे समय में टूर्नामेंट आतंकवादियों के निशाने पर हो सकता है। यूरो कप आयोजन इस बार 10 जून से 10 जुलाई तक फ्रांस के अलग अलग स्थानों पर होना है। यूरो कप के दौरान पेरिस में 10 लाख से अधिक विदेशी दर्शकों के आने की संभावना है। अमेरिकी नागरिकों के लिए जारी किए गए ट्रैवल अलर्ट में यूरोप पर आतंकी हमले की आशंका जताई गई है। पिछले वर्ष फ्रांस पर कई आतंकवादी हमले हो चुके हैं। मैरीकॉम को रियो में मिल सकती है वाइल्ड कार्ड एंट्री। लंदन ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता महिला मुक्केबाज MC मैरीकॉम के रियो के लिए क्वालिफाई करने में विफल रहने के बाद उन्हें वाइल्ड कार्ड के जरिए ओलंपिक टीम का हिस्सा बनाया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक 33 वर्षीय मैरीकॉम को अगस्त में होने वाले ब्राजील के रियो ओलंपिक खेलों में वाइल्ड कार्ड प्रवेश दिया जा सकता है। मैरीकॉम हाल ही में हुई विश्व चैंपियनशिप में हारने के कारण रियो के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी थी। गत माह अस्ताना में मैरीकॉम अपने 51 किलोग्राम वर्ग में दूसरे दौर के मुकाबले में जर्मनी की एजाइस निमानी से हार गई थी। हालांकि ऐसा समझा जाता है कि देश की सर्वश्रेष्ठ महिला मुक्केबाज और 5 बार की विश्व चैंपियन मैरीकॉम को भारतीय मुक्केबाजी संघ वाइल्ड कार्ड प्रवेश दिला सकता है। आतंकवाद के आरोप में 14 लोगों को फांसी की सजा। सऊदी अरब की एक अदालत ने शिया मुसलमानों के क्षेत्र कातिफ में आतंकवाद के आरोप में 14 नागरिकों को फांसी की सजा सुनाई है। ये खबर आज सऊदी अरब के अल अरेबिया टेलीविजन ने दी है। सऊदी अरब ने जनवरी में 49 लोगों को फांसी दी थी, जिनमें 45 सुन्नी आतंकवादी तथा 4 शिया मुसलमान शामिल थे। ये सजा कातिफ में विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर हमले के आरोप में दी गई थी। वेब दुनिया समाचार में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों और अन्य जानकारियों को जानने के लिए लॉगिन करें हमारी वेबसाइट www.webdunia.com पर।